अच्छा जी टाइम अप गाइस, आ जाइए शादाज, आ जाओ बॉस, सोच लिया ना पर वो फर्स्ट टाइम मना रही है। आइए भाई काशिफ साहब, टाइम अप हो गया। आइए जी काशिफ साहब, आगे बताइए जरा शाताज ने क्या शाकार बनाया है। शाताज उधर आ जाओ, उधर आ जाओ शाताज जल्दी से। अच्छा जी वहीं रहेंगे आप लोग दूर दूर, और वहीं से आप जी। अच्छा, वैसे तो ये पहली दफा आई हैं तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ, पोनी इनकी ऐसी है जैसे गधे की पूंछ नहीं लटक रही होती बिल्कुल, और कान इन लोगों को तो सुनाई ही नहीं देता, इन लोगों को ना पेट्रोल पंप पे ले जाके वॉश करवाने पड़ेंगे इन लोगों के कान प्रेशर। और जो है बिल्कुल छिछुंदरी लगती है एकदम, जो नहीं होती रिंकी हुई, मेकअप हटाओ तो बिल्कुल दुम्बे जैसा शक्ल लगता। चलती फिरती डायन, जब ये पहली बार आई थी तो इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे मेंढक की मामी आई है। जब बोलती है तो इतना फटा हुआ स्पीकर होता है ना जो खराब हो जाता है, वो फट फट की आवाज आ रही होती है, और उंगलियां ऐसी जैसे कौए की चोंच बिल्कुल है ही नहीं। नाक तो माशाल्लाह से स्ट्रॉ है इतना लंबा, और जो है इनकी आंखें बिल्कुल मटर के दाने जैसी नजर लगती ही नहीं है, इनकी आंखें हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी, और होंठ ऐसे जैसे बतख चोंचनी होती है उस पे लाल लिपस्टिक लगा दियो क्वाक क्वाक। बस बस सब कुछ कह दिया और बस आओ बस। अब जरा तुम बताओ, अब दानिया बताएगी तुम लोगों को शाताज कैसी लगती है। आ जाओ भाई दानिया उधर आ जाओ। हाँ भाई सबसे पहले तो भाई हम इनके बालों की बात करेंगे जो कि लियारी के गुटके जैसे हैं। नहीं 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 मजा नहीं आ रहा। और फिर हम इनके कानों की बात करेंगे जो कि एलियन जैसे हैं, जादू जैसे। और फिर हम इनकी नाक की बात करेंगे जो कि नजर ही नहीं आती, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन सबके कामों में अड़ानी जरूर होती है। फिर हम इनके होंठों की बात करेंगे जो कि 4 किलो लिपस्टिक के बगैर तो ये दुनिया को दिखा ही नहीं सकती, और रेड लिपस्टिक लगाना जरूरी होती है। फिर हम इनके ब्लश की बात करेंगे जो कि 10 किलो का लगाना जरूरी होता है, वरना उसके अलावा इनकी शक्ल ये लोगों को दिखाएंगी तो लोग तो डर जाएंगे। फिर हम इनकी आईब्रोज की बात करेंगे जो कि जहाज जैसी आईब्रोज है। फिर हम इनकी आंखों पे अगर आए तो आंखों में सबसे पहले तो 2 किलो का मस्कारा लगाना जरूरी है भाई, मैंडेटरी। और उसके बाद हम इनकी आंखों के अंदर की बात करें तो फेक लेंसेज लगाना बहुत जरूरी है भाई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई इनको, फेक सब फेक, आंखें फेक, मुंह फेक, नाक फेक, सब फेक भाई। और फिर हम इनकी बात करेंगे किसकी, हाँ फिर हम सबसे पहले जूतों की भी बात करेंगे, मुंह से बड़े इनके जूते और हील, ठीक है। और फिर हम इनके हाथों की बात करेंगे तो टिपिकल टिकटॉकर लड़कियों जैसे इनके हाथ होते हैं, जिसमें नेल पॉलिश वो भी बिल्कुल डार्क कलर की बहुत जरूरी होती है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या नहीं क्या नहीं बताओ ना। और बिल्कुल इस पूरे स्केच के बाद जो इन्होंने मेरे मेकअप पे बात की तो मैं कहना चाहूंगी वाइब्स लेके आए, मेरा मेकअप उतारे हैं, इनका मेकअप उतारे हैं, जिसकी शक्ल डिफरेंट होगी ना, शक्ल नीचे से डिफरेंट किसकी निकलती है, नेचुरल ब्यूटी, 4 किलो मेकअप लगा के नेचुरल ब्यूटी, ओ माय गॉड, 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 बस 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 चैंपियनों में से जनानों में से मर्दाना आवाजें आ रही हैं। एक चीज की बात करना तो हम भूल गए, इनकी ये पियर्सिंग जो कि बिल्कुल इससे ऐसी मैली वाइब्स आती हैं, आई कैन नॉट इवन कंट्रोल। टाइम अप गाइस, टाइम अप, बैठ जाए सब, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, डिसाइड करेगी मेरी टीम के ज्यादा फनी स्केच किसने बनाया। जी ओवर टू यू, बताइए। चैंपियंस ने अच्छा बनाया दानिया। एक वोट चैंपियंस के साथ, चैंपियंस टिकटॉकर्स। ओ 2-1 चैंपियंस, 3-2 चैंपियंस, और 4-1 चैंपियंस। 5 वोट मिले चैंपियंस को, वही सिर्फ एक वोट मिला है टिकटॉकर्स को, इसलिए ये 2 पॉइंट भी जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। हो जाए ला।
नहीं बच्चे पागल हो जाते हैं। पतंग कटे ना कटे किसी के बाल कट के गंजा ना हो जाए कोई, मुझे सिर्फ डर इस बात का। अभी बच्चन बहुत आला। जरा आप बताइए सजा किसे देनी आप लोगों ने, कौन रह गया है, कौन रह गया है? एक ही बचा है बंदा, सब तो कोई रह भी नहीं गया इनमें। तुम रह गए हो ना, हो गया तो कौन रह गया? आप रह गए, आप भी। अरे रवि क्या करी, मैं रह गई भाई। आइए हाथ ऊपर, वेरी नाइस। अच्छा ये हाथ भी दिख रहा था, इतनी खुशी से सजा लेने से बीसी के पैसे लेने आ रही है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।